हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आज हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे ये? एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। नेक्स्ट है इसमें, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है, तो वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट है, चोपानी मांडो काकोदिया महदहा एवं सराय नाहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं मेहदहा से। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण युग नवपाषाण युग ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमदी मेहरगढ़ कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है मेहरगढ़। नेक्स्ट है, नर्मदा टोली का उत्खनन करवाया था SD सांकलिया ने। नेक्स्ट है, नर्मदा टोली अवस्थित है, यह अवस्थित है MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है, राग का टीला बुद्धिहाल संगनकल्लू कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र वाला और ये जो भीमबेटका प्रसिद्ध है, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं ये अब्दुल्लागंज रायसेन MP में स्थित है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैदिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, ब्रह्मगिरी बोझूम चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल
के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं, वो है बुरजोम। ये आपका क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम पाषाण काल से रिलेटेड कुछ लिमिटेड फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे हम न्यू न्यू टॉपिक्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस आगे देखते रहेंगे क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजहुम, कोल्डी हवा, धम्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुजहुम से। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह है लेखिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। तो आज हमने कुछ पाषाण काल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इसी तरह हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते रहेंगे हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।